आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं ईशा भार्गव और स्वागत है आपका प्राइम छत्तीसगढ़ में। नक्सल हमले में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दंतेवाड़ा पहुंचे, जहां कारली पुलिस लाइन में शहीद जवानों को नम आंखों से अंतिम विदाई दी गई, जहां उन्होंने शहीद जवानों के पार्थिव देह पर पुष्प चक्र अर्पित किया। साथ ही सीएम ने शहीदों के पार्थिव देह को कांधा देकर अंतिम विदाई भी दी। नक्सल हमले में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद सीएम ने शहीदों के परिजनों से भी मुलाकात की। बता दें कि दंतेवाड़ा जिले के आर्यनपुर में नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट कर जवानों के वाहन को उड़ा दिया था। इस हमले में डीआरजी के 10 जवानों की शहादत हुई थी, वहीं गाड़ी के ड्राइवर को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। नक्सली की सूचना मिली है, उस आधार पर हमारे डीआरजी जवान पूर्णिया गई थी। घटना स्थल पे एक नक्सली का मुठभेड़ हुआ, एक नक्सली घायल हुआ और एक नक्सली को पकड़ लिया और घायल नक्सली और महासमुंद से है, जहां बागबाहरा ब्लॉक में स्थित फॉर्चून नेत्रहीन उच्च माध्यमिक विद्यालय में 68 नेत्रहीन छात्र ब्राइल लिपि से पढ़ रहे हैं, जिनकी निशुल्क जांच स्वर्गीय भंवरलाल पगारिया के स्मृति में उनके बेटे ने अरविंदो नेत्रवाल में करवाई, जिसमें 23 छात्र को हल्का धुंधला दिखाई देता था, जो 80-90% ब्लाइंड थे। उनको मोनाकुलर ग्लास, फिल्टर ग्लास, प्रिज्म ग्लास और सीटीवी के माध्यम से चश्मा बनवाकर फॉर्च्यून नेत्रहीन को छात्रों को चश्मा लगवाया गया है। लोगों का हमारा उद्देश्य यह है कि ये जो चश्मा हमने वितरण किया है, इसके द्वारा ये जो बच्चे हैं इस स्कूल के, जिनको बहुत ही कम दिखता था, अब इनको बहुत अच्छा दिखेगा। उम्मीद ये है कि अभी 5 फुट 6 फुट तक के दिखेगा, किसी को 7 फुट, किसी को 8 फुट, लेकिन कोशिश ये है कि इनको 10 फुट तक के जरूर दिखेगा आगे, अगर ये चश्मे का सही उपयोग करते हैं और सही तरीके से लगाते हैं। ये अभी जो चश्मा लगाए हो, इसमें कितना आसानी हो रहा देखने के लिए? पहले कैसे दिखता था आपको? पहले थोड़ा धुंधला सा दिखता था, अब पूरा एकदम क्लियर दिख रहा है। ये कौन चश्मा दिए हैं जो उनको दिए हैं, उनको कुछ कहना चाहोगे? जी, उसको धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। कितने बच्चे हैं और आज ये जो संस्था आई है, ये बच्चों को क्या वितरण कर रही है? सर, बच्चे हमारा 68 बच्चे हैं, पूरा बच्चे, उसमें से 38 बच्चे जो है लो विजन है, जिसको काम दिख रहा था, और अभी अरविंदो नेत्रालय में जन सहयोग से जो जांच प्रक्रिया हुआ है, जांच के उपरांत टेलीस्कोप और मैग्नीफाइंग स्पेक्ट्रम उपलब्ध किया गया है, जिसका उपयोग करते हुए बच्चे जो बच्चा हुआ दृष्टि का बेहतर के आंखों में ब्लाइंड थे, कुछ परसेंट ठीक थे, उनको आज आप विभिन्न प्रकार के चश्मे उपकरण दे रहे हैं, जिससे उन्हें क्या फायदा होगा, ये हम आपसे जानना चाहते हैं। तो सर, हमारे पास काफी बच्चे आए थे, उसमें से हमें जो लगे जिनका नज़र और बढ़ सकता है, उसमें 23 बच्चे निकले। हमने उनका स्क्रीनिंग किया तो उसमें 23 बच्चे निकले, तो उन 23 बच्चों में हमने उनका नज़र का जांच किया और पूरा पर्दे का साथ जांच। क्या नाम है बेटा? शिवानी पांडे। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? अर्जुन नेत्रहीन विद्यालय। कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? छठवीं। आज आपको जो चश्मा लगाया वो पहले कैसा दिखता था और अभी कैसा दिखता है? पहले धुंधला दिखता था, अभी अच्छा दिख रहा है।
वहीं सरायपाली से भंवरपुर जाने वाले मार्ग पर एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें एक बोरवेल गाड़ी के पलट जाने से उसमें बैठे ड्राइवर सहित 8 मजदूरों की को काफी चोटें आई हैं, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से सरायपाली के सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। वहीं अभी तक पूरे मामले में किसी ने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है। गाड़ी पलट गई, कहां से आ रहे थे, कहां जा रहे थे? कहाँ जा रहे थे? तो गाड़ी कैसे पलट गया? तो गाड़ी में कितने लोग थे आप लोग? तो सबको चोट आया है? तो किसी को ज़्यादा चोट आया है जिसको बाहर भेजा है? ये बोर गाड़ी कहाँ का है, किसका गाड़ी है? बोर गाड़ी जन्मदिन किसका है? योगेश्वर प्रधान। योगेश्वर प्रधान आया था क्या मिलने? क्या बोले वो? बस देख के हम लोग गए हैं, मतलब इलाज वाज वो करवा के। आप बना सेवक राम भाई कहाँ रहते हैं? शास्त्रीपुर। आप कौन सा गाड़ी में काम कर रहे थे? बोर गाड़ी में। क्या काम करते हैं उसमें आप? मजदूर हैं। काम क्या करते हैं आप उसमें? पाइप लगाने का? पाइप लगाते हैं, मिट्टी पीसते हैं। तो आपका गाड़ी कैसे पलट गया? डंपर की वजह से है। कैसे हुआ ये? डंपर आ गया सामने, अपने को सेट काटना था, जैसे सेट काटे तो अपना गाड़ी बहुत मजे पलटी हो गई। तो क्या गाड़ी में पाइप वाइप भी था? हाँ। तो आप लोग के ऊपर गिरा क्या? मैम आपका परिचय? मैं डॉक्टर सुमन चतुर्वेदी, मेडिकल ऑफिसर हूँ यहाँ पे। मैम आज बोर गाड़ी पलटने से कई लोग घायल हो गए, उनको अस्पताल लाया गया था, क्या मामला? हाँ, आज पता चला कि 7 लोग घायल हुए हैं बोरवेल गाड़ी पलटने से, उसमें से 6 लोग हैं जिनको मामूली चोटें आई हैं, उनका इलाज बराबर हो गया है। अब एक मरीज है जिनकी एक उंगली में फ्रैक्चर का शिकायत आया है, तो उन्हें महासमुंद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए रेफर किया गया है। मैम क्या इसकी जानकारी पुलिस विभाग को दे दी गई है? हाँ बिल्कुल दे दी है, सुबह ही दे दी। अभी वहीं अंबिकापुर के जसपुर जिले में पंचायत सदस्य के साथ बदसलूकी करने का मामला सामने आया है, जिसके बाद सरगुजा रेंज के आईजी रामगोपाल गर्ग ने तत्काल 2 आरक्षक को सस्पेंड कर दिया है। पूरा मामला बगीचा थाना क्षेत्र के दुर्गापुरा का बताया जा रहा है, जहां उनके साथ मारपीट की गई। वहीं मामले की जाँच करने के लिए टीम भी गठित कर दी गई है। गिन बिहारी सिंह, जिला पंचायत सदस्य, जिला जसपुर। वहाँ अपने जिला पंचायत निर्वाचित क्षेत्र में ग्राम पंचायत दुर्गापारा में बोर खनन का मामला था आपसी भाई में। तो वो क्या है कि वो मेरे को बोले, वो उसके लड़का बोला कि यहाँ पर मेरे चाची मेरे ज़मीन में बोरिंग खोद रहे हैं। मैं कहा कि ठीक है, मैं आ जा रहा हूँ, बात कर लेंगे, या फिर कोई अधिकारी आएगा तो मेरे से बात कर। जगदलपुर में पीडीएस दुकानों के माध्यम से गरीबों को मिलने वाले सरकारी चावल से हेरा फेरी का बड़ा मामले का खुलासा हुआ है। बता दें कि पीडीएस दुकानों तक चावल पहुंचाने की जिम्मेदारी उठाने वाले परिवहन ठेकेदारों के हमले द्वारा सरकारी चावल की चोरी किए जाने की बात सामने आई है। दरअसल बीते महीने बस्तर कलेक्टर पीडीएस दुकानों की व्यवस्था देखने पहुंचे थे। इस दौरान राशन दुकान संचालक महिला समिति के सदस्यों ने कलेक्टर से चावल के बोरे में चावल की मात्रा कम होने की शिकायत की थी, जिसके बाद बस्तर कलेक्टर ने जाँच के आदेश दिए हैं। वहीं एक महीने बाद जाँच समिति की रिपोर्ट भी सामने आई है। इसको लेके फिर यहाँ पे जांच दल का गठन किया गया था और जांच दल को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि जो चावल वहाँ पे उचित मूल्य की दुकान में पहुँच रहे वो प्रत्येक बोरी कम क्यों पाए जा रहे हैं, इसकी जांच करें और इसकी इसके लिए जिम्मेदार कौन है इसका भी निर्धारण करें। इस पूरे मामले की जाँच जो है बड़ी सूक्ष्मता से की गई। यहाँ पे हमारे जो गोडाउन है उसकी भी जाँच की गई, वहाँ पे जो धर्म काटा है उसकी भी जांच की गई और हर एक स्तर पे जांच करने के बाद ये निष्कर्ष पे हम लोग निकले हैं कि जब उसका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा होता है उसी दौरान जो है कुछ ना कुछ उसमें चावल की कमी आती है। इस मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व विधायक स्वर्गीय लक्ष्मण सतपथी की प्रतिमा का कटोरा तालाब में अनावरण किया। इस दौरान उन्होंने स्वर्गीय लक्ष्मण सतपथी के व्यक्तित्व को आज की युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक बताया। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि लक्ष्मण सतपथ की दबंग और आमजनों के हित के लिए सत्य निष्ठा से काम करने की कार्यशैली लोगों के मन में मस्तिष्क में बस गई है। उनके द्वारा बच्चों की शिक्षा के लिए किए गए काम आज भी प्रासंगिक है। बता दें कि मुख्यमंत्री ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित की। राजनेता जो जो बात दिल में है वही जुमान, और खरी खरी बात कहने में सतपति जी की कोई सहानी नहीं, कोई मुकाबला नहीं। हमेशा वो अपने बात दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ रखते थे। सामने चाहे कितना भी बड़े व्यक्ति क्यों ना हो, वो डरते नहीं थे, झिझकते नहीं थे। और ऐसे राजनेता की मूर्ति की स्थापना आज हम लोगों ने किया। उसके स्वर्गवास के समय तय हुआ था कि इसकी मूर्ति यहाँ स्थापना करेंगे। जगदलपुर के ब्लॉक माड़पाल में इंदिरा क्लब के द्वारा आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में विधायक श्री रेखचंद जैन ने विजेता और उपविजेता टीम को पुरस्कृत किया। और इस दौरान माड़पाल सरपंच श्रीमती मंदना नाग को वार्षिक मेला मनई एवं खेलकूद के लिए 1,00,000 रुपए का चेक सौंपा। बता दें कि फाइनल मैच के दोनों पारियों का अवलोकन कर उन्होंने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित भी किया। विजयी खिलाड़ियों को कप प्रदान भी किया गया। भाजपा युवा मोर्चा के पदाधिकारी एवं सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने अंबिकापुर के गंगापुर स्थित रोजगार कार्यालय का घेराव कर रोजगार कार्यालय के गेट पर ताला लगा दिया है। दरअसल प्रदेश भाजपा संगठन के आह्वान पर भाजपा युवा मोर्चा के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया कि सरगुजा में 90,000 से ज्यादा युवा रोजगार पंजीयन करा चुके हैं, लेकिन प्रदेश सरकार के बेरोजगारी भत्ता के मापदंडों के अनुरूप सरगुजा जिले में सिर्फ 600 बेरोजगार युवा तक लाभान्वित हो रहे हैं, जिसको लेकर भाजपा की युवा मोर्चा के पदाधिकारी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अधिक से अधिक बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं इसको लेकर रोजगार कार्यालय गेट पर ताला लगाते हुए मुख्यमंत्री के नाम रोजगार कार्यालय के अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर मांग की गई है। छलावा करते हुए ठगने का काम किया है। यहाँ 90,000 से अधिक युवा बेरोजगार जो युवा हैं वो पंजीयन है सरगुजा के इस कार्यालय में, लेकिन सिर्फ 600 लोगों को रोजगार बेरोजगारी भत्ता देने का इन्होंने निर्णय अभी तक किया है। इसको लेकर के भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश के नेतृत्व में, प्रदेश के आह्वान पर सरगुजा जिले ने इस रोजगार कार्यालय का घेराव किया है, और युवाओं की हक की लड़ाई हम सड़क पर लड़ते रहेंगे, इसी संकल्प के साथ आज का हम कार्यक्रम सम्पन्न। अपना ज्ञापन सौंपा और मैं उसे शासन को भेज दूंगा। क्या मांग रही है? उनकी मांग है कि जो बेरोजगारी भत्ता है वो पिछले बैक डेट से दिया जाए। शासन ने 1 अप्रैल 2023 से उसका दिया है कि भाई 1 अप्रैल 2023 से जो भी बच्चे फॉर्म भरेंगे, जो मापदंड उन्होंने बनाया है उसके अंतर्गत में उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, और 30 अप्रैल को शायद मुख्यमंत्री जी। छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।